झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, झारखंड में महिलाओं को सुरक्षा दो, झारखंड में महिलाओं को सुरक्षा दो। झारखंड के जिला सिमडेगा के कोलेविरा प्रखंड में दिनांक 7 जनवरी 2021 को मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं, बहन और बेटियों के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं में पिछले एक वर्ष में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलेविरा को झारखंड के राज्यपाल महोदया के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार ने कहा कि जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। राज्य के साथ साथ अब राजधानी में भी दुष्कर्म और हत्या की बात आम हो गई है। इस सरकार का कानून व्यवस्था से नियंत्रण समाप्त हो गया है। हेमंत सरकार को नैतिकता के नाते तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व कोलेविरा मंडल की मंत्री सह कोलेविरा के पूर्व प्रखंड प्रमुख श्रीमती शांतमुनि देवी ने किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या में रोक नहीं लगती है तो महिलाएं झारखंड सरकार को चूड़िया भेजने का काम करेंगी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि चिंतामणि साहू, जिला मंत्री दिलेश्वर सिंह, अशोक ठाकुर, दिनेश दास, लीला लोहरा, दीपक बड़ाए, गंजेंद्र सिंह, बालकेश्वर सिंह के अलावा भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी कोलेविरा मंडल की ओर से राज्य में महिला दुष्कर्म को रोकने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से झारखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज हमारी वर्तमान सरकार विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम महिलाओं को राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है और जगह जगह पर हम महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आज हमारी बहू बेटियां को घर से निकलना दुभर हो गया है। ऐसी में हमारी राज्य सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है और ऐसी सरकार की और ऐसी कानून व्यवस्था की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से मैं यह राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदया को यह आग्रह करना चाहूँगी कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को सख्त से सख्त निर्देश दिया जाए। धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज़ के लिए वीरेन तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।